भाई ये आप लोग देख सकते हो, ये टावर झूला बताया जा रहा है। यहाँ के जो लगाने वाले उनसे हमने पूछा, ये टावर झूला है, ये ले जाएगा ऊपर, उसके बाद नचा के छोड़ेगा। ये देखो आप लोग झूला देख सकते हो, करीब से आपको दिखा दें। भी आप लोग देख सकते हो सेटिंग चल रही है यहाँ पे झूले की, जो कि बहुत ही स्पेशल झूला है भाई ये नाव वाला। आप लोग देख सकते हो मेले में निंजा भी आया, अभी मैं बैठ के इसको चलाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो मजार की यहाँ पे पेंटिंग चल रही है, और आओ हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं, कंफर्म डेट हमको ये बताएंगे भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। एंड गाइस, आप सबका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं हंडिया मेले का पूरा व्यू, एंड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अच्छा ठीक है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी मैं हंडिया में हूँ, बट आप लोग को वहाँ से दिखाते हैं जहाँ मेले में जाने के लिए आसानी होगी। तो हम लोग अभी चलते हैं, क्या समझे, यहाँ पे मेरे साथ समीर है, इधर रहा दे, उधर आप देख सकते हो रेहान है, आदिल है। तो हम लोग सभी लोग आपको दिखाने वाले हैं हंडिया का मेला, और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। बिना किसी देर के चलो आओ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फाइनली अभी मैं हंडिया में आ गया हूँ, और ये आप देख सकते हो पिलर नंबर 36, जस्ट इसी के बगल से एक रोड गई है, जंगही रोड। आप इस रोड को जैसे ही पकड़ के जाएंगे ना, आप लोकेशन देख सकते हो, ये बगल में देवराज हॉस्पिटल है, और ये पिलर नंबर 36 ये आप देख सकते हैं, और इसी से ये जंगही रोड लगी हुई है। तो यहाँ से सीधा आप लगभग 500 मीटर जाएंगे और आप मेला पास, चलो चलकर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस, अभी मैं मेले में पहुंच गया हूँ, और गाइस आपको यहाँ का व्यू देते हैं। आप ये देख सकते हो मेन रोड है, और जस्ट ये जंगही वाली रोड है, और इधर आप लोग देख सकते हो ये अंदर के साइड में लगता है मेला यहाँ पे। और भाई साहब ये देखो काफी जबरदस्त, अभी ये स्टार्टिंग, अभी लगभग 15 दिन बाकी है मेले में, और यहाँ के लोगों से भी हम पूछ कर आपको कंफर्म डेट बताएंगे। भाई आप लोग ये देख सकते हो मेले में अभी ये स्टार्टिंग हो रही है इस नाव वाले झूले की। आप लोग देख सकते हो भाई बहुत बड़ा ये नाव वाला झूला है, और ये जो सबसे बड़ा नाव वाला झूला रहता है वो यही है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है भाई, अगर आप मेले में आओ तो इस झूले का विजिट आप लोग जरूर करें, क्योंकि मैंने इस पे जो एक्सपीरियंस लिया है काफी नेक्स्ट लेवल का रहता है, काफी मजा आता है। और भी बहुत से झूले आए हुए हैं मेले में, और आपको दिखाते हैं भाई, ऐसा ऐसा झूला आया है ना इस बार, रियल में आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस मेले को इस बार जरूर विजिट करें, क्योंकि इस बार मेले में बहुत तबाही होने वाली, अभी बारिश के कारण थोड़ा सा कीचड़ पट्टी हो गई है, बट आओ दिखाते हैं। और भी काफी सारा झूला आया हुआ है जो कि काफी नेक्स्ट लेवल का है, और इधर अभी आप देख सकते हो बैक में इधर लग रहा है, अभी ट्रेन वाला लग रहा है, बच्चों के लिए काफी स्पेशल है। और आ जाओ दिखाते हैं कुछ कमाल कमाल के झूले आए हुए हैं जो इस बार न्यू देखने को मिलेंगे, आ जाओ दिखाते हैं। एक बार फिर से आप बताएंगे भाई मेला आज कंफर्म डेट आप बता दीजिए कि मेला किस तारीख को। अच्छा अगर 29 का चांद रहेगा तो 22 तारीख को मेला कंफर्म, और अगर 30 का चांद रहेगा तो 23 का। वीडियो वाले हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो डालते हैं, आ जाओ दिखाते हैं भाई यहाँ के। अभी भाई से पता चला है कि अगर 30 का चांद रहा तो 23 को, और 29 का चांद रहा तो 22 को, यहाँ पे कंफर्म है। और जहाँ तक उम्मीद है मेरे को भी 22 का ही रहेगा। और भी जो मजार के पास बुजुर्ग के रहते हैं उनसे पूछते हैं, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। पहले आपको यहाँ का पूरा इंटरफीरियंस दिखा देते हैं। और भाई ये आप लोग देख सकते हो ये टावर झूला बताया जा रहा है, यहाँ के जो लगाने वाले उनसे हमने पूछा, ये टावर झूला है, ये ले जाएगा ऊपर, उसके बाद नचा के छोड़ेगा। ये देखो आप लोग झूला देख सकते हो, करीब से आपको दिखा दें। इस पे सीट दिया है, सीट बेल्ट भी दिया है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त होगा, लोग यहाँ बैठेंगे उसके बाद इसके अंदर पैक होंगे, उसके बाद भाई ये ऊपर जाएगा, बहुत बड़ा सा है, और उसके बाद फिर ये पूरा नचाएगा। काफी जबरदस्त ये झूला है, ये फर्स्ट टाइम आया इस मेले में, और आप लोग इसका विजिट जरूर करें। और बहुत से झूले आ जाओ दिखाते हैं भाई, ये वाला तो ना लेकिन बहुत जबर है, टावर झूला बताया जा रहा है इसको, और आपको दिखाते हैं। इधर आप लोग देख सकते हो, ये देखो आओ करीब से दिखाते हैं, ये है ब्रेक डांसर जो कि इस बार मेले में आया है, ब्रेक डांसर आप लोग देख सकते हो, ये भी काफी अट्रैक्टिव होता है, काफी जबरदस्त होता है ये आप देख सकते हो, और यहाँ के वर्कर को आपको आप भी देख सकते हो। एंड अभी भी इसमें कुछ भी कमियां हैं इस झूले में, ये वाला झूला सबसे बड़ा रहेगा। ये देखो इधर काफी सारा उसका पार्ट्स रखा हुआ है, और आओ आपको और दिखाते हैं, ये कौन सा इधर भी झूला लग रहा है आप देख सकते हो, ये एकदम न्यू पेंटिंग वगैरह करके यहाँ पे लगाया जा रहा है। इधर कौन सा झूला लगने वाला है भाई, नाव वाला 20 सीटर नाव झूला क्या रहेगा यहाँ पे, मतलब अच्छा आसमानी झूला, तो यहाँ पे आसमानी झूला लगने वाला है एक, और साइड में एक नाव वाला झूला लगा है जो कि सबसे स्पेशल वही रहता है, लेकिन इस बार ये वाला आया है, हो सकता है ये वाला काफी खतरनाक हो, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही ये वाला देख रहा हूँ। मैं भी विजिट करूंगा इसको जरूर से, और आप लोग भी आए तो इसे विजिट जरूर से करें। और यहाँ पे देखो भी जो नाव जो झूला लगने वाला है आसमानी, उसका पार्ट से ये आप लोग देख सकते हो, पूरा यहाँ पे पेंटिंग करके एकदम न्यू कर दिया जा रहा है। इधर देखो काम चल रहा है इनका, पूरा वन साइड एक साइड के जो मैदान है उसमें का ये पूरा सीन दिखाई दे रहा है। इधर आगे एक ट्रेन वाला है, ड्रैगन ट्रेन आप लोग देख सकते हो, बच्चों के लिए स्पेशल है, और ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हो, ये सिर्फ एक साइड का है, ये एक तरफ मैदान का है, अभी आगे भी है, चलो उसको भी आप लोग को दिखाते हैं, और मजार साइड भी पूरा व्यू आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलो पहले यहाँ से भी हम लोग चलते हैं, और भाई एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे बताया जा रहा है काफी, और इससे बड़ा बड़ा जो टावर वाला है इससे बड़ा झूला आने वाला है, और जो वो होता है
हथौड़ा, हथौड़ा बोल रहे हैं कोई, निंजा हथौड़ा नाम से, वो झूला बहुत ही जबरदस्त है, आप लोग YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं और यहाँ पर आने वाला है, आगे की वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हाल ही में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे तैयारी चारों तरफ से चल रही है। और चलो उस वाले मैदान का सीन आप लोग को दिखाते हैं, और यहाँ का तो सीन काफी भी, अभी पूरा ओपनिंग हो रही है, अभी लग रहा है धीरे धीरे काम चल रहा है, यहाँ का स्टार्टिंग हो रही है। तो आओ उस वाले मैदान में आपको दिखाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो सेटिंग चल रही है यहाँ पे झूले की, जो कि बहुत ही स्पेशल झूला है भाई ये नाव वाला, और सेटिंग अभी चल रही है। यहाँ पे काफी सारा अभी सामान रखा हुआ है, इंजन आप लोग देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोग मैदान में देख सकते हो एक आसमानी झूला यहाँ पे लग रहा है अभी, और इसका यहाँ पे पूरा बैठने वाला सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देख सकते हो आप लोग इधर एक ब्रेक डांसर है, आपको करीब से दिखाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे भी हाथी घोड़ा वाला ये देख सकते हो झूला है, ये आप लोग देख सकते हो। और पानी तो अभी भरा हुआ है बहरहाल, बट हो सकता है सही हो जाए, अभी 15 दिन है लगभग, 22 तारीख को ये मेला होने वाला है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक डांसर है, उसको भी यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। और इधर आप लोग देख सकते हो काफी सारा, यहाँ भी एक ट्रेन वाला रखा गया है, उसका भी सेटअप होगा। अभी यहाँ पे पूरा सेटअप बाकी है, अभी सेटअप होने के बाद आपको एक और वीडियो मिल जाएगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ का सीन, तैयारियाँ चल रही है किस तरह से, ब्रेक डांसर, आसमानी झूला और काफी सारे छोटे बड़े झूले यहाँ पे, सभी तैयारियां हो रही है। आप लोग देख सकते हो गाइस, आप लोग देख सकते हो मेले में निंजा भी आया, मैं बैठ के इसको चलाने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हो। और भाई साहब बहुत डेंजरस निंजा है इसका, आप लोग विजिट जरूर से करें, निंजा देख सकते हो, काफी सारे यहाँ पे निंजा फेंके हुए हैं, देखने को नहीं मिलता और यहाँ पे फेंके हुए हैं भाई, ये देख सकते हो आप लोग, और बहुत ही जबरदस्त यहाँ का मेला होने वाला है। तो आप लोग विजिट जरूर से करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त टावर जैसे झूले आए हुए हैं यहाँ पे, और अभी थोड़ा जैसे झूले आने वाले हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस मेले का विजिट जरूर से करें। आज हम मजार साइड आपको आ गए हैं, जंगही रोड पे आप लोग ये देख सकते हो बुल्ला होटल, जस्ट इसी के सामने ये मजार वाला गेट है। और चल के आपको दिखाते हैं मजार पे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बना है, क्या कुछ बिगड़ा है, सब आपको दिखा जा रहा है। सो गाइस फाइनली अभी मैं मजार साइड पे आ गया हूँ, और आपको दिखा दे भाई ये जो गली है ना, ये सीधा बुल्ला होटल पे निकलेगी, और ये पूरी रोड पे भाई सबसे ज्यादा भीड़ रहती है आप लोग देख सकते हो। और ये यहाँ का मजार है, आप लोग मजार का व्यू देख सकते हो। तो चलो चल कर करीब से दिखाते हैं। और ये साइड में एक मस्जिद है, ये मस्जिद अभी तक बन रही है भाई, ये जो अगली बार आप लोग वीडियो में देखे रहे होंगे कि इसमें भी इसी तरह से लकड़ी लगी थी, ये मुझे लगता है लकड़ी निकली नहीं है तब से। तो और ये सामने उधर साइड पूरा मजार है, आज हम मजार आपको दिखाते हैं, ये आप लोग देख सकते हो ये मजार है। और यहाँ पे भी कुछ बुजुर्ग होंगे, उनसे हम पूछेंगे कि भाई यहाँ पर कौन से डेट में लगने वाला है, और यहाँ पे हमारी पूरी टीम पहुँच चुकी है यहाँ पे, और चल के आपको दिखाते हैं। और कुछ होंगे बुजुर्ग, तो उनसे हम लोग पूछेंगे भाई कब यहाँ पे कौन से डेट में, एकदम कन्फर्म डेट बताएंगे वो लोग। तो आओ देखते हैं, ये सीढ़ी है जहाँ से हम लोग चढ़ रहे हैं, ये पूरा एक मतलब रहने की जगह बनाई गई है, जो आते हैं क्या कहते हैं मेहमान लोग आते हैं उनके लिए, ये मेहमान खाना, ये आप लोग देख सकते हो। और इधर बहुत सारा प्लेस बनाया गया है, जगह बनाई गई है, और पूरा इंटरलॉकिंग हो गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एकदम क्लीन है और बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। ये एक चीज़ अच्छी मतलब एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ की ज़मीन एकदम प्लेन कर दी गई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है मजार, काफ़ी नेक्स्ट लेवल का। और आओ करीब से दिखाते हैं, ये आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो मजार की यहाँ पे पेंटिंग चल रही है। और आओ हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं कंफर्म डेट हमको ये बताएंगे, भाई दादा बताएंगे, आप बता सकते हो यहाँ पे कंफर्म डेट किस तारीख को यहाँ पे मेला रहने वाला है, उर्स जो यहाँ का है 22 तारीख को, जो बड़ा रहेगा बड़ा उर्स, तो 22 तारीख को रहेगा। यहाँ के लोग से अभी हमने पता किया, आप सुन सकते हो, आप जान सकते हो, और आप आके यहाँ पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे भी मजार का डेंटिंग पेंटिंग वाला काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो, और माशाल्लाह बहुत ही बड़ा मजार है, आप लोग आके विजिट कर सकते हो यहाँ पे दाता हयात सब बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे, आप लोग आके फाते वगैरह पढ़ सकते हो। एंड आओ और कुछ आप लोग को बाहर का कुछ सिनेमैटिक सीन दिखाते हैं, कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट और दिखाते हैं, आ जाओ भाई। अभी हम लोग चलते हैं फाते वगैरह पढ़ लेते हैं, इतनी दूर से आए हैं तो भाई फाते पढ़ना तो लाजमी है, तो फाते पढ़ते हैं उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो गाइज उम्मीद करते हैं अभी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने सारा कुछ दिखा दिया जो कुछ यहाँ पे होता है, और अभी बहुत कुछ बाकी है जो कि आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और भाई साहब ये अभी थोड़ा सा मेला लगा है, अभी और लगेगा, और भारी भारी झूले वगैरह आने वाले हैं, और ये पूरा मजार है, आप लोग बैक में देख सकते हो। और इस साइड पूरा एक मस्जिद है जो बन रहा है, और इधर सामने एक बहुत बड़ा सा आप लोग तालाब बोल सकते हो, जिसमें अभी गढ़ाई बोल सकते हो आप लोग देसी भाषा में, जिसमें बहुत सारा जलकुंभी है, और ये पूरी रोड जाम रहती है भाई मेले वाले दिन। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो क्या करना है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।